बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शिवी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, कल मैंने 65 की जंग के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजा था, उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए हैं, और जिन लोगों को ये था कि पाकिस्तानी तबसरा नहीं करते, उनका भी एक तबसरा आ गया है। खुद देख लें कि ये कैसे हो सकता है कि वो फाउल लैंग्वेज यूज़ ना करें। आई लीव इट एट दैट। एनी वे, आज यानी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 1965 की जो लड़ाई है या जंग है, उसके बारे में मेरी किताब मौजूद है, और गलबन 15 या 18 साल हो गए होंगे इसको लिखे हुए। और हमें ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान ने 65 की जंग कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लड़ी थी, और कहते थे कि दूसरे लफ्ज़ में कि आप हमारा एहसान माने। तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने देखा कि किताब का नाम है कश्मीर 1965 वॉर, और ज़्यादातर एम्फसिस यही था, ये साबित करना कि पाकिस्तान ने ये जंग कश्मीरी को आज़ाद कराने के लिए नहीं लड़ी थी, और उसी पर मेरा ज़्यादातर रहा है एम्फसिस। और मैंने साबित किया कि मुख्तलिफ जो हल्के थे वो क्या कह रहे थे, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी। इतना था सो मच सो कि अगर उन्होंने जंग लड़नी थी आज़ाद कराने के लिए, तो फिर अगर आप देख लें कि 1963 में जुल्फिकार अली भुट्टो के और सुरेंद्र सिंह के मुज़ाकरात होते हैं, 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स टू डिवाइड जम्मू कश्मीर। वो जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त वजीर खारजा था, उधर से सुरेंद्र सिंह थे इंडिया के, और अयूब खान उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। और 1965 जब जंग होती है उस वक्त भी अयूब खान सदर थे और वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो थे। तो अगर 63 में वो डिवाइड ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए, डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए बातचीत करते हैं, और बड़ी संजीदगी से, सो मच सो कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये मशवरा दिया था कि जम्मू इन्हें जम्मू इंडिया रख ले, लद्दाख भी इंडिया रख ले, और बाकी इसे हम रख लेते हैं, और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए, जिनमें आपके लिए भी हमारे लिए भी, और इंडिया वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर वही लीडरशिप जो है 1965 में आज़ादी के लिए कैसे लड़ सकती थी। और फिर ये भी है कि 1965 की जंग से पहले पाकिस्तान की तैयारी की ये हालत थी, उन्होंने ना नेवी वालों को इतला की थी कि हम जंग करने जा रहे हैं, ना ही फजाइया को इतला की थी, और सो मच सो कि उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री पर किसी किस्म के दिफा का कोई इंतजाम नहीं किया था। उनको ये यकीन दिलाया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से कि इंडिया कभी भी हिम्मत नहीं करेगा इंटरनेशनल बाउंड्री पर जंग करने के लिए। तो इन्होंने जब ये जंग छेड़ी, और वसूतुल्लाह खान का जो आर्टिकल आज आया है, वसूतुल्लाह खान जो हैं एक पाकिस्तानी हैं, बड़े बेबाक राइटर हैं, टीवी एंकर भी हैं, वो बड़ी खूबसूरती से आपकी अपनी बात बयान करते हैं। उन्होंने भी 4 जंगों का जिक्र किया है, और जिस तरीके से मैंने कहा उसी तरीके से तकरीबन उन्होंने भी कहा, उनके अपने सोर्सेज होंगे, मेरे अपने सोर्सेज हैं, और लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने ये कही हैं, वो मैं टुवर्ड्स द एंड कहूँगा। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि 4000 लोग भेजे गए थे, मैंने तो पूरी लिस्ट भेजी थी भी कौन कौन कमांड कर रहा था 1965 की जो जंग मैंने लिखी है किताब, भाई किस किस की कमांड में कौन कौन गया था, और उनके कौन कौन से उनके टारगेट से वो कहाँ पर जाकर उन्होंने फतह हासिल करने के बाद मीट करना था, और उसके बाद इन्होंने जाकर ना ऑपरेशन जो है ना जिब्राल्टर के बजाय ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है ना वो शुरू करना था, यानी ग्राउंड फोर्सेस जो थी पाकिस्तान की वो हरकत में आती और वो कब्जा कर लेती। आइडिया ये था कि जम्मू का रास्ता जो है वो काट दिया जाए, और जो इंडिया की जो फौज है जम्मू कश्मीर में वो मैसूर हो जाए, एंड पाकिस्तान विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू बार्गेन द आउटकम ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। अच्छा, लेकिन वसूला खान साहब जो वो भी ये कहते हैं कि अगस्त के एंड पर हालत ये हो गई थी कि वो लोग जो हैं तकरीबन या तो पकड़े गए थे या शहीद कर दिए गए थे, और साथ ये भी वो कहते हैं कि जो कि मैंने भी इजहार किया था कि उन लोगों को ना तो कश्मीरी जबान का पता था और ना ही उनको वहाँ के रहन सहन का पता था, उन शक्ल से बात भी उनकी मुख्तलिफ थी, और इसलिए वो जल्दी पकड़े गए, और कुछ लोकल जो लोग हैं उन्होंने उनके साथ ताउन नहीं किया, इसलिए कि अगर आज़ादी की जंग होती, कश्मीर को आज़ाद कराना होता, तो सबसे पहले कश्मीर की लीडरशिप को एतमाद में लेना था, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, ना ही लोकल लोगों को, ना ही कुछ किसी तरीके से कोई ऐसा होमवर्क ही नहीं किया था। बड़ी जल्दी में उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और चंद हफ्तों में लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और उनको भेज दिया। फिगर जो है उस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है 4000 था, 5000 था, कम था या 6000 था,
पर जब ये नाकाम हो गया तो इसके बावजूद जो फेज टू ऑफ द ऑपरेशन था, यानी ऑपरेशन जो ग्रैंड सलाम, वो उन्होंने शुरू कर दिया। उसका मतलब ये था कि फौजी भीमबर के छम जोड़ियों की तरफ जो उन्होंने मार्च करना था वो उन्होंने कर दिया। मेजर जनरल अख्तर सैन बल का मैंने कल भी नाम लिया था, और उस उन्होंने उसको काट रहा था जम्मू को, वो चला दिया गया। वो कहते हैं कि वजतुल्ला खान कहते हैं कि इन्हें समझदार लोग हैं, उनको तो ये चाहिए था कि उन लोगों के पकड़े जाने के बाद, यानी ऑपरेशन के पहले हिस्से की नाकामी के बाद, उन्होंने तो ये चाहिए था कि वो कुछ भी और ना करते, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कौन था, उन्होंने ये करना ही करना था। और फिर ये भी मैंने बताया था कि किस तरीके से कमांड बदल दी गई थी, और यही कुछ उन्होंने वजतुल्ला खान साहब ने भी कहा है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब सीज फायर हो जाता है और वहाँ ताशकंद में चले जाते हैं, एक तरफ से डेलीगेशन पाकिस्तान का आता है जिसकी जिसके हेड थे जनरल अयूब खान साहब, और दूसरी तरफ शास्त्री साहब थे जो इंडिया के वजीर आजम थे। वहाँ पर फिर ये फैसला हो जाता है कि 5 अगस्त वाली जो पोजीशन थी दोनों आप वापस चले जाएं, इंडिया वाले भी वापस चले जाएँ, प्री वॉर जो पोजिशन थी इंडिया वाले भी चले जाएं और पाकिस्तान वाले भी प्री वॉर जो पोजीशन पर चले जाएं। यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर आपने प्री लड़ाई वाली पोजीशन पर जाना है तो फिर इतने लोगों को मरवाने का क्या फ़ायदा था। और यहाँ पर वजतुल्ला खान साहब ने जो इजाफा किया है वो भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि इस जंग में वो कहते हैं अमेरिकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के रिकॉर्ड के मुताबिक 17 रोज़ा जंग में भारत के 3,000 लोग आर्मी के मारे गए जी, 3,000 आदमी जो है मैन मारे गए इंडिया के, और पाकिस्तान के 3,800 मारे गए। ठीक है जी, आप देख लें भी, एक तो बंदे भी पाकिस्तान के ज़्यादा मारे गए और बाकी भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो भी देख लें, लेकिन फतह फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की हुई है। और जब वो इलाके ताशकंद के मायदे के मुताबिक वापस कर दिए गए, और रात गए को शास्त्री साहब को अटैक हुआ और वो फौत हो गए। और रात के बिजारे के उस लेट नाइट को एक पाकिस्तानी मेंबर ऑफ डेलीगेशन ने जुल्फिकार अली भुट्टो को जगाया और कहा कि कहते हैं कि वो बास्टर्ड मर गया है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पूछा भी कौन सा बास्टर्ड, यानी विच वन, इन अदर वर्ड्स विच वन, क्योंकि वहां पर दो डेलीगेशन के लीडर थे ना, एक तरफ अयूब खान थे और दूसरे शास्त्री साहब थे। तो उन्होंने कहा विच वन, तो वजतुल्ला खान साहब ने अपने जो आर्टिकल है उसका इख्तिताम इसी पर कर दिया कि विच वन, और उसने उसको छोड़ दिया। ये बात भी नोट करें कि जो मैंने कल भी अपने इस वीडियो में कहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को पूछा गया, जब तारिक अली साहब जो बरतानिया में रहते हैं, बेसिकली लाहौर से रहने वाले हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे एट वन टाइम ऑफ लेफ्ट के मूवमेंट के, उन्होंने पूछा भी जुल्फिकार अली भुट्टो को कि आपने वो लड़ाई क्यों शुरू की, व्हाई डिड यू पुट पाकिस्तान पुश पाकिस्तान फॉर दिस वॉर, जो आपको जबकि पता था कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह कहा था कि दिस वॉज द ओनली वे टू वीकन द डिक्टेटरशिप, तो मतलब ये कहने का कि हम पर कोई इशारा नहीं किया गया, ये उनकी आपस की जंग थी और जो है ना लोगों को मरवाया गया। बाकी भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपको मैंने कुछ कल बताए थे, कुछ अगर चाहूँ तो मैं एक घंटा इस पर बात कर सकता हूँ। फिर आई लीव इट एट दैट, मैं वैसे अब मूड बन रहा है कि मैं वो किताब जो है उसको अपडेट करूँ, बहुत से एविडेंस मेरे पास है फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड, अगर टाइम ने परमिट किया, सेहत ने इजाज़त दी, एंड आई विल डू दैट, आई लीव इट दैट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। आई लीव इट, खुदा हाफिज़।